हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। द न्यू व्यूअर हु आर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म ओल्ड पैंट इनटू अ न्यू डंगरी सूट फॉर अ गर्ल्स। आई हैव स्टिच दिस डंगरी सूट फॉर 6 years ओल्ड गर्ल इन अ वेरी इजी एंड अ सिंपल वे, सो यू कैन ट्राई इट एट होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे वुमेन्स ओल्ड पैंट ले लिया है और ये स्ट्रेचेबल मटेरियल में है। यहाँ पे मैं अपनी पैंट लेंथ 22 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे कमर में अपनी 32 इंच की रख रही हूँ। 1.5 इंच में यहाँ पे बढ़ा के ले लूँगी ताकि इसको फोल्ड करके मैं इलास्टिक डाल सकूँ। यहाँ पे मैं 1 palm की डिस्टेंस पे कर्व मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैं स्ट्रेट मार्क कर लूँगी और अब मैं इसे कट कर लूँगी। मैंने दोनों ही लेग्स की पार्ट कट कर लिए हैं। ऊपर वाले कपड़े को मैं इससे ज्वाइन करूंगी और नीचे वाले कपड़े को मैं इससे ज्वाइन करूंगी और फिर दोनों ही मैं लेग्स को अटैच कर लूंगी। यहाँ पे 1 inch की डिस्टेंस पे मैं फोल्ड करके इसको स्टिच कर लूंगी और इलास्टिक डाल लूंगी। ये हमारे पैंट का बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को मैं निकाल के अपनी डंगरी में अटैच करूंगी। यहाँ पे मैंने 7 inch के कपड़े का यूज़ करूँगी डंगरी में लगाने के लिए और अब मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं पैंट अटैच कर रही हूँ दोनों ही साइड से। और इलास्टिक लगाने के लिए मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लूँगी। ये मैंने डंगरी में कपड़ा अटैच कर लिया है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पैच है जो मैं इस पर यहाँ पे अटैच करूँगी और ये मैंने बैंगल से राउंड शेप में कट कर लिया था। यहाँ पे मैं डंगरी में लगाने के लिए स्ट्रिप्स स्टिच कर रही हूँ। ये मैंने स्ट्रिप स्टिच कर ली है। विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन मैं इसको सीधा कर लूंगी। और अब मैं इसे डंगरी में अटैच कर लूंगी। इस तरह के कार्ड से मैंने ये 2 कट कर लिए थे राउंड शेप में बटन्स बनाने के लिए और ये राउंड शेप में मैंने कपड़ा भी कट कर लिया था। मैं इस तरह से नीडल से हैंड स्टिच करके इसको राउंड शेप में स्टिचिंग कर लूँगी।
ये मैंने राउंड शेप में स्टिच कर लिया है। मैं इसमें बटन रख के थ्रेड को खींचूंगी ताकि वो अच्छे से फिट होकर बैठे और ये बटन मेरा रेडी है। यहाँ पे बटन हुक बनाने के लिए मैंने बैंगल का यूज़ किया है। इस तरह से राउंड शेप में भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से फोल्ड करके ये शेप भी हम लोग दे सकते हैं बैंगल को। और ये हमारा डंगरी रेडी है। मैंने यहाँ पे स्टिचिंग्स लगा ली है, यहाँ मिडल से भी स्टिच कर लिया है, इलास्टिक भी अटैच कर लिए है, इसमें पैच लगा लिया है और बटन्स लगा लिए, बटन हुक लगा लिया है। और बचे हुए कपड़े से मैंने हेयर बैंड स्टिच कर लिया है। इस तरह के इजी एंड सिंपल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।